सिलचर के हंसी खुशी भवन में विक्रयकर विभाग के उद्योग से तथा विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में लोगों को जीएसटी के बारे में विस्तारित जानकारी प्रदान किए जाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जीएसटी विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा विक्रयकर विभाग के प्रमुख हस्तीगण मौजूद रहकर विस्तारित जानकारी प्रदान किए। कार्यक्रम में सिलचर शहर के कुछ जाने माने व्यवसायियों के साथ साथ व्यापार से जुड़े लोगों ने जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर व्यापारियों के बीच काफी उत्साह और रोचकता का माहौल भी देखने को मिला। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर करते हुए हर वक्त सही दिशा में सही तरीके से विक्रय कर प्रदान किए जाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किए। दूसरी ओर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी इस दिन विस्तारित तौर पर लोगों को जागरूक करवाया गया कि उनको ये चीज अभी तुरंत स्टार्ट करनी है। जिन जो भी आदमी अभी अब 6 महीने वाला बात नहीं है, 6 महीने बाद तो कैंसिल ही होगा, लेकिन तुरंत उसके अगेंस्ट जो आदमी 1 महीना भी रिटर्न फाइल नहीं किया उसके अगेंस्ट ऑफिसर दौड़ेगा सिस्टम से नोटिस तक, तो मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देगा और ऑफिसर को अलर्ट भी कर देगा। तो ये तो हुआ। ये मैं इसमें भी आपको खाली एक छोटी सी कहानी बता के मेरे को एक आप उससे आप अच्छा समझेंगे थोड़ा। ये डुगर जी ने कहानी बताई थी, तेजपुर के हमारे सीए जो है डगर जी ने बताई थी ये कहानी। तो उन्होंने कहा कि सर पता है सर, मेरे बेटी की शादी 4 महीना बाद अमुक तारीख को है। अब मेरे को उसी समय जो गिफ्ट में लिफाफा सा लेके आता है पैसा डाल के, वो ITC तो कभी तो नहीं दे देंगे ना। हमने कहा नहीं देंगे, ठीक है, आपने तो अभी शादी का डेट बताया। फिर बोला सर मैं हो सकता है आपको 15 दिन पहले कार्ड दे दें लड़के की शादी का, तब आप मेरे को लिफाफा दे देंगे। लिफाफे को ITC मान लीजिए, समझे ना, नहीं तो जो मतलब शगुन वगुन जो भी लेके आता है। हमने कहा नहीं देंगे, काम नहीं देंगे आपको। फिर हाँ उस दिन तो हमारे को लिफाफा देंगे, तो हमने कहा ठीक है देंगे। ITC में सर ऐसे ही कंडीशन लगा रहे हैं, ये कैसे होगा? ये आपके पक्ष से उसने बात बोला था, मैं वही कहानी आपको बता। मैंने कहा सर बात तो ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन तो उसी समय हो गया जब शादी हो रही है ना, तो उस समय तो लिफाफा दे देना चाहिए। तो उसके बाद में तो कोई कंडीशन लगाने का मतलब नहीं कि 2 महीना बाद देखेंगे ये देखेंगे। पर पता है सर मेरे बेटी की शादी 4 महीना बाद अमुक तारीख को है। अब मेरे को उसी समय जो गिफ्ट में लिफाफा सा लेके आता है पैसा डाल के, वो ITC तो कभी तो नहीं दे देंगे ना। हमने कहा नहीं देंगे, ठीक है, आपने तो अभी शादी का डेट बताया। फिर बोला सर मैं हो सकता है आपको 15 दिन पहले कार्ड दे दें लड़के की शादी का, तब आप मेरे को लिफाफा दे देंगे। लिफाफे को ITC मान लीजिए, समझे ना, नहीं तो जो मतलब शगुन वगुन जो भी लेके आता है। हमने कहा नहीं देंगे, काम नहीं देंगे आपको। फिर हाँ उस दिन तो हमारे को लिफाफा देंगे, तो हमने कहा ठीक है देंगे। ITC में सर ऐसे ही कंडीशन लगा रहे हैं, ये कैसे होगा? ये आपके पक्ष से उसने बात बोला था, मैं वही कहानी आपको बता। मैंने कहा सर बात तो ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन तो उसी समय हो गया जब शादी हो रही है ना, तो उस समय तो लिफाफा दे देना चाहिए। तो उसके बाद में तो कोई कंडीशन लगाने का मतलब नहीं कि 2 महीना बाद देखेंगे ये देखेंगे। पर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, अगर लड़की असल में शादी करके लड़के के घर पहुंची होती तब तक तो ठीक था। वो कपड़ा व्यापारी है हमारे, आप हैं, आपकी दुकान में है पुतला लड़की का, लगाया होगा कपड़ा वपड़ा पहना के कुछ लगा देते। हमने कहा हो क्या रहा है वो शादी में, आप तो आपने तो हमको बुला लिया, लेकिन वहां सामने तो लड़की आपने बिठाई नहीं, आपने तो मैनीक्विन बिठा दी।